रायपुर में कोयला कारोबारी पर जो है गोली चलाने के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। गोलीकांड को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है। सरकार बनने के बाद राजधानी में 4 गोलीकांड हो चुके हैं। गृह क्षेत्र अपराध का घर बन चुका है और कांग्रेस के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने पलटवार किया और कहा कि आने वाले समय में सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्रदेश में कानून का राज होगा। कानून व्यवस्था फेल है। यदि यह सरकार कमजोर नहीं होती, यदि सरकार के अंदर में अपराधियों की दखल नहीं होती, तो क्या मजा था कि कोई भी शूटर या कोई भी अपराधी छत्तीसगढ़ में आके घटना करके जाता। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था कि जिसमें 5 साल के अंदर में व्यापारी लाखों रुपए की रकम लेके अपना व्यवसाय सरेआम लेके करते थे। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां माताएं बहनें रात को 12 बजे भी अपने कार्यस्थल से घर आती थी निश्चित होकर। लेकिन 6 महीने में यह स्थिति हो गई है कि महिलाएं घर से 7 बजे के बाद निकलने में डर रही हैं। व्यापारी रकम लेके इधर उधर जाने में डर रहे हैं। व्यापारी भयभीत हैं। छत्तीसगढ़ में नागरिकों को भयमुक्त वातावरण देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल साबित हुई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की थी, कानून व्यवस्था का हाल और सारी प्रशासनिक अराजकता कांग्रेस पार्टी ने की थी। आंकड़े आप देखेंगे तो आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि पिछले 7 महीनों में अपराध में कमी आई है, नियंत्रण हुआ है और आने वाले समय में सख्ती से कार्यवाही होगी, मजबूती से कार्यवाही होगी और छत्तीसगढ़ में कानून का राज होगा।